हेलो गाइस, तो फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एक्स वाई जेड वीडियो के इसमें। तो जिन लोगों के स्कॉलरशिप के अभी फार्म नहीं भर पाए हैं पीटास के माध्यम से, तो वह फार्म कैसे भरेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे किसी भी क्रम ब्राउज़र को खोल लेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे MPTAS, इस तरह से MPTAS पर सर्च कर देंगे। जैसे हम इस पर सर्च करेंगे तो हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। जिनके पास पासवर्ड भूल चुके हैं जो लोग, वो पासवर्ड को यहाँ पे दिख रहा होगा फॉरगेट करें, तो फॉरगेट कर सकते हैं। जो यूजर आईडी भूल चुके हैं जो लोग, यूजर आईडी भी फॉरगेट कर सकते हैं। और जिनका अकाउंट नहीं है MPTAS में, अभी प्रोफाइल नहीं बनी है, तो वो यहाँ पे अकाउंट नहीं है प्रोफाइल बना सकता है न्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोफाइल भी बना लेनी है और यहाँ पे हम जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, कैप्चा कोड है, वो यहाँ पे डाल लेते हैं और डालने के बाद यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। आपको जिन लोगों को दिक्कत आ रही है प्रोफाइल बनाने में, तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, इससे आप घर बैठे बना सकते हैं। यह फॉर्म इसलिए, जिन लोगों के फॉर्म रह चुके थे स्कॉलरशिप के, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि सभी लोग भर सकें और जमा कर सकें कॉलेज में, इससे हम उस स्कॉलरशिप के पैसे आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हम लॉगिन हो चुके हैं, हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर किसी चीज़ में आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा माई प्रोफाइल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप समग आईडी में प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल में, कास्ट सर्टिफिकेट में, इनकम सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल में, और प्रिंट भी कर सकते हैं, और चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, और NPCI भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी चेंज करना चाहते चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा PMS, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन अप्लाई और एप्लीकेशन स्टेटस, पहले हम स्टेटस को चेक कर लेते हैं, इसलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई फार्म भर तो नहीं गया है। तो यहाँ पे फार्म अभी भरा नहीं है, यहाँ पे दिख रहा होगा जीरो नॉट रिकॉर्ड फाउंड। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा एडमिशन ईयर, तो यहाँ पे हम एडमिशन ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस वजह से आपने एडमिशन लिया था वो सत्र यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एडमिशन बरस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 23-24, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जिस वजह से आपने एडमिशन लिया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक का प्रारूप, ठीक है, फ्रेश है या नहीं है, नॉन फ्रेश है, फ्रेश है, यहाँ पे हम फ्रेश यानी न्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो BA BSc के लिए स्कॉलरशिप का फार्म इस तरह से भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा महाविद्यालय के राज्य का चयन करें, यानी जो राज्य है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और महाविद्यालय के ज़िले का नाम सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे महाविद्यालय का नाम सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे महाविद्यालय का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको महाविद्यालय का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह से अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, कॉलेज में संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके विद्यालय का नाम नहीं आ रहा है तो कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, या आदर्श पर क्लिक करके आप कॉलेज को भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर विद्यालय का नाम इस तरह से ऊटा मोटा भर जाएगा, यहाँ प्रवेश तिथि, अब दोस्तों यहाँ पर जानकारी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे प्रवेश तिथि सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। प्रवेश तिथि सही से सेलेक्ट कर लेनी है, लगभग लगभग भी कर सकते हैं आप। एडमिशन आईडी भी यहाँ पे डाल लेनी है, एडमिशन आईडी कहाँ पे मिलेगी आपको, जिस तरह आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था और जो आपने पैसे दिए थे कॉलेज को एडमिशन के लिए, जो फीस भरी थी वो फर्स्ट फीस भरी थी, उसमें एडमिशन आईडी भी रहेगी, एप्लीकेशन आईडी रहेगी, और यहाँ पे डेट भी सही रहेगी, ठीक है। तो वही डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एडमिशन डेट, और जो आपका जो एडमिशन आईडी है वो यहाँ पे जिस टाइम आपने कॉलेज फीस जमा की थी उसी में एडमिशन आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एडमिशन आईडी भी आपको यहाँ पे डाल लेनी है, और यहाँ पे दिख रहा होगा गेट एडमिशन डिटेल्स, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस तरह से आपको ध्यान रखना, फर्स्ट स्लैब पर ही आपको एडमिशन आईडी मिल जाएगी, इस तरह से आपको डाल लेनी है और गेट
एडमिशन डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारी डिटेल खुल जाएगी। ठीक है, जिस भी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और कोर्स कौन सा लिया है वो भी आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, बीए बीएससी एमएससी जो भी कर रहे हैं वो आ जाएगा, ब्रांच का नाम आ जाएगा, इस तरह से आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिख रहा होगा आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। सभी लोगों के आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए नहीं आता है, कुछ ही लोगों के आते हैं, तो आप कुछ दिक्कत नहीं है, आय प्रमाण पत्र आपको लॉगिन कर देना है। तो इस तरह से हम आय प्रमाण पत्र को लॉगिन कर देते सॉरी अपलोड कर देते हैं। आय प्रमाण पत्र को इस तरह से आपको अपलोड कर देना है, 2 MB से कम रहना चाहिए, 2 MB तक चल जाएगा, 2 MB से कम रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साइज़ बनाने की, वो तो उटक मुटक क्योंकि 2 MB बहुत होती है। इस तरह से आपको पैन कार्ड है तो जानकारी भर सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी जानकारी सही है, सेव करने से पहले एक बार जानकारी चेक कर लें, तो यहाँ पे हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्पष्ट जानकारी दी गई है, इस तरह से आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जानकारी पूरी आ जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जानकारी जो है सही है तो आपको चेक कर लेनी है, सही है अगर तो चेक कर लेनी है, अगर गलत है तो आपको एडिट भी कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस तरह से आपको चेक करने के बाद सब कुछ सही है अगर तो यहाँ पे कंसेंट देना है, यहाँ पे टिक कर लेना है कि मैं सहमत हूँ और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा हो कि आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुख्य बात है हाँ कर देना है। ठीक है, स्कॉलरशिप की आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ कर देना है। तो इस तरह से आपको कॉलेज का जो फॉर्म है इस तरह से MPTAS प्रोफाइल के माध्यम से स्कॉलरशिप का फॉर्म है इस तरह से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके वो कॉलेज नज़दीकी कॉलेज में जाकर अपने जो कॉलेज हैं उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से सबमिट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बता देते हैं हम वो फॉर्म कैसे आप रसीद कैसे निकालनी है वो भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको तो यहाँ पर हम बैक आते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा PMS, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आ जाएगा, एप्लीकेशन किस देश अप्लाई किया है, और पेंडिंग वेरिफिकेशन आ जाएगा। इस तरह से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म दिखाई देगा और यहाँ पे दिख रहा होगा एक्शन, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। कैंसिल करना चाहते हैं एप्लीकेशन, कैंसिल भी हो जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन ID है वो भी जो फॉर्म है वो हमारा स्कॉलरशिप का वो प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पे हम प्रिंट कर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कॉलरशिप को आपको फॉर्म है वो भर लेना है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।